फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1, उसके क्वेश्चंस करेंगे और सवालों को देखेंगे किस किस तरीके के सवाल हैं, उनका रंग रूप कैसा है। उससे पहले एग्जांपल नंबर 8 हमारा रह गया था, उससे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं एग्जांपल नंबर 8। तो सबसे पहले इसको रीड करेंगे, क्या बोल रहा है। कह रहा है, एक वक्र की प्रवणता डी वाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर द्वारा दी जाती है। इसका मतलब हमें कोई वक्र है उसकी प्रवणता दे रखी है, वक्र की प्रवणता। प्रवणता का दूसरा नाम ढाल है, जिसे हम अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। प्रवणता दे रखी है हमें डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, द्वारा दी जाती है। यह वक्र बिंदु 1-1 से गुजरता है। जो वक्र है वो बिंदु 1,1 से गुजरता है, गुजरता है। वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, कल हमने लिया था वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने इसका अवकलन किया था डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कॉस एक्स जो आया है वो किस फलन को अवकलन करके आया, तो हमने बोला था साइन एक्स। ठीक है, तो यहां समझो, हमें यहां पे डी वाई डी एक्स दे रखा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे डी वाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो हमें वो समीकरण ज्ञात करना था जिस समीकरण से कॉस एक्स आया, वही यहां पे दे रखा है डी वाई डी एक्स। तो हमें वो समीकरण ज्ञात करना है जिस समीकरण से डी वाई डी एक्स आया है। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया। वैसे ही हम यहां पे भी क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास वो समीकरण आ जाएगा जिस समीकरण से ये हमारा डी वाई डी एक्स आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे डी वाई डी एक्स सॉल्यूशन में, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद में दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई, कल हमने समझा था कि इंटीग्रेशन से डी वाई डी एक्स हट जाता है, तो यहां पे क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ वाई। तो वाई लिख लेंगे, यहां पर हम इंटीग्रेशन सबको अलग अलग दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 2, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहां पे एक्स की पावर एन वाला, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। यहां पे एक्स का पावर कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, ये इनटू में है। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। आगे यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां मिलेगा x स्क्वायर माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा समीकरण आ गया, ठीक है। लेकिन समीकरण अभी हमारा अनिश्चित समीकरण है, कैसा है, अनिश्चित, क्यों, इस सी के चलते। तो अगर हमें सी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमारे पास वो निश्चित समीकरण आ जाएगा जिससे हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स आया है। तो क्या करेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे। सी का वैल्यू कहां से निकालना है, वो कह रहा है कि बिंदु 1-1 से गुजरता है, ठीक है। तो
इसमें x का वैल्यू क्या हो गया एक, कॉमा y की वैल्यू क्या हो गया एक, तो x और y का वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर एक इसको बोल देंगे। तो लिखेंगे x तथा y का मान, x तथा y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो y का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस c, 1 इज इक्वल टू 4 प्लस c, और यहां से c का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस 3। तो c का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, बस नहीं, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया ये। तो क्वेश्चन में जो समीकरण हमसे ज्ञात करवाने के लिए बोल रहा था तो वो समीकरण कितना हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, कॉपी करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1, सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। वीडियो देखने से पहले क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें, अगर क्वेश्चंस नहीं होते हैं या समझ में नहीं आते हैं तभी वीडियो को देखें अच्छे से, क्वेश्चनों को समझें, अन्यथा सबसे पहले हम खुद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कुछ हम सीखना स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मिसप्रिंट है, उनको हम करेक्ट कर लेंगे। जैसे यही सबसे पहला क्वेश्चन, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये 3 क्यूब रूट का सिंबल है, जो ये ना होके ये इस तरीके से होगा, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से है ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मान लेंगे, माना आई बराबर इतना, हमें समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन डीएक्स लगा लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 इंटू डीएक्स, हमें मिल गया x का पावर 2/3 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, इंटीग्रेशन x का पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा x का पावर n का वैल्यू है 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस सी। सी अप्लाई करना है, कितना हो गया ये 5/3, तो x का पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस c, और आंसर आ जाएगा 3/5 इंटू एक्स का पावर 5/3 प्लस c। बस सुन भाई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, i बराबर इंटीग्रेशन e का पावर 3x इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम बहुत कुछ समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे भी एक प्रतिस्थापन विधि से समझेंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। तो विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमें क्या करना है, किसी भी एक फलन को हमें टी मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो, हम टी मान लेते हैं। जैसे कि करते हैं इसको, माना 3x इज इक्वल टू टी। बात समझ में आई, इस 3x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो हमारा अब i क्या बन गया, i बन गया इंटीग्रेशन e का पावर t, ठीक है। जब हमारा यहां पे x चर था तो हम dx के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं, अभी यहां पे हमारा जो चर है वो t बन जाएगा, तो हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, dt के सापेक्ष, तो हमें dt का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x का हो जाएगा 1, तो 3 इज इक्वल टू t का हो जाएगा dt टी अपॉन डी एक्स। तो हमें यहाँ पे dx का वैल्यू रखना है dt के रूप में, तो dx का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा dt टी अपॉन 3। बात समझ में आई? तो हमारा जो i है फाइनली क्या बन के आ गया, e का पावर t इंटू डी टी बाई 3, ठीक है, या मैं ऐसे ऐसे लिखूँ 1/3 इंटीग्रेशन e का पावर t इंटू डी टी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान है क्योंकि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e का पावर x वाली फॉर्म आ गई और e का पावर x का समान कितना होता है, e का पावर x प्लस c, तो लिख देंगे 1/3 e का पावर t प्लस c, सिंपल। t का वैल्यू जो भी था यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 e का पावर 3x प्लस c, ये हमारा i, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो थी प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको किया, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको किया। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज समझना पड़ेगा, जो रैखिक समीकरण है हमें इसमें देखना है रैखिक समीकरण। अभी यहाँ पर जो 3x है वो एक रैखिक समीकरण के रूप में है, मतलब x का जो पावर है वो कितना है 1, तो इसका x का जो भी गुणांक होगा उस गुणांक को हम 1 अपॉन करके लिख देंगे। समझते हैं कैसे, जैसे अभी हमारा इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू dx था क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने क्या किया कि x लीनियर इक्वेशन देखना है, x का जो भी गुणांक होगा उसको हम 1 अपॉन करके लिख देंगे, तो हमारा इसमें आंसर क्या बन रहा था, e की पावर 3x सेम, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, परंतु यहाँ पर 3x है तो 3x की वजह से हम यहाँ पर 3 नीचे डालेंगे प्लस c। बात समझ भाई, अगर ऐसा होता e का पावर 15x इंटू डी एक्स तो हम इसको लिखते e का पावर 15x अपॉन 15 प्लस c, ये वाला क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा। बात समझ भाई, कुछ भी हो e का पावर मान लो ax है इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा e का पावर ax अपॉन a प्लस c, ये भी प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण होना चाहिए जिसमें x का पावर क्या हो 1 हो, और x का जो भी गुणांक होगा उसे हम रेसिप्रोकल करके या फिर 1 अपॉन करके नीचे डाल देंगे और इसमें प्लस सी लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा है, जैसे कि साइन मैंने ए एक्स ले लिया, साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का सबको पता माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये रैखिक समीकरण के रूप में है, मतलब x का पावर 1 है और इसका जो गुणांक है वो कितना है a, तो इस a को हम नीचे डाल देंगे और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड है I बराबर इंटीग्रेशन 1/2 का पावर x इंटू डी एक्स। इसमें सिंपल सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, a का पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन a का पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a का पावर x अपॉन log a प्लस c। तो I बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2 x आ जाएगा अपॉन log e a की जगह पे है 1/2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, आंसर हमारे आते जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन a का पावर 2 log a x, ठीक है, हमने log पढ़े हैं, तो log में एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि अगर n log m है तो इसे हम ले सकते हैं log m का पावर n, पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी, या हम बोले कि यहाँ से जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो i हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन a का पावर log a का x स्क्वायर, log a x स्क्वायर, तो ये जो 2 था ये मैंने पावर में डाल दिया, जैसे यहाँ पे ये n था ये मैंने पावर में डाल दिया, तो यहाँ से हम 2 को किस में डाल देंगे, पावर में डाल देंगे। अभी यहां पे क्वेश्चन देखेंगे कि log a का पावर log a है, क्या है, a का पावर log a, अच्छा ये भी बेस है और ये भी बेस है,
जब ये दोनों बेस समान हो जाते हैं तो ये चीज हमारी ऑटोमेटिक हट जाती है। कैसे होता, 5 log base 5, तो ये हट जाता सिंपल, ठीक है। यहाँ पे बाजू में जो भी होता है वो बचता है, तो फाइनली i बराबर क्या बच गया, x square into dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन x^n (dx) = x^n+1/(n+1+c। तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, i बराबर आ जाएगा x, n का वैल्यू है 2+1/(2+1+c), फाइनल आंसर आ जाएगा x^3/(3+c)। बस सुन भाई, कॉपी करेंगे इसको, आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 5 cos x - 3 sin x + 2 cos²x (dx). हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं उन फॉर्मूलों को देखते हुए हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं 9.1 के। अगर मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हमें उसको सिंपली प्लस माइनस के रूप में लेके आना है, और मैं कहूँ अंश में लेकर आना है। अगर अंश बटा हर के रूप में है तो उसे हम अंश में लेकर आएंगे, और जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों को उसमें अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ईजी हैं सारे क्वेश्चंस, अच्छे समझते चलेंगे और करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें इंटीग्रेशन dx अलग अलग बांट देते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा ये 5 (dx) - 3 (sin x - dx) + 2 (1/cos²x) (dx)। फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, cos x का होता है sin x, तो आ जाएगा 5 sin x - sin x का होता है -cos x, तो -(-)+3 cos x + 2। अभी ये अंश बटा हर के रूप में है, हमें अंश में लेके आना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं sec²x (dx). इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, तो आंसर आ जाएगा 5 sin x + 3 cos x + 2 tan x + c। सिंपल है, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा इंटीग्रेशन x^3 - 1/(x²)(dx). सिमिलर एक एग्जांपल किया था हमने, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो i = (x^3)(x²)(dx) - (1/(x²)(dx)। मैंने क्या किया, मैंने इस एक्स स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड किया, साथ ही इंटीग्रेशन dx मैंने अलग अलग दे दिया दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ बच जाएगा (x)(dx) - ((-2)(dx). तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला (x^n(dx) = (x^n+1)/(n+1+c). देखो तो मैं बार बार क्वेश्चंस करते समय फॉर्मूले लिखता हूँ, ये आपको भी लिखने चाहिए। जितनी बार हम क्वेश्चन में फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो सारे क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चंस के साथ लिखेंगे तो वो हमें याद होते हुए जाएंगे। तो आप भी कोशिश करें, मैं तो करता ही हूँ हमेशा, आप भी कोशिश करें उनको मैं साथ में लिखते हुए चलूँ ताकि फॉर्मूले में अच्छे से याद हो जाए। तो ये हो जाएगा x^1+1, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1, तो 1+1/(1+1) -x^(n+1)/(n+1) और n का वैल्यू है -2+c। तो फाइनल आंसर आ जाएगा (x²)/(2) - (x^-1)/(-1)+c, यानी (x²)/(2)+(1)x+c। बात समझ में आई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में थोड़ा सा करेक्शन है, आपकी बुक में दे रखा है sec²x (cosec²x), तो जहां पे इंटू है वहां इंटू हटा के प्लस कर लेंगे उसको। तो क्वेश्चन है (i)(sec²x + cosec²x)(dx). यहां पर ये करेक्शन था, प्लस लगा देंगे बीच में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर सबसे पहले इसको अलग अलग देना है इंटीग्रेशन dx, तो अलग अलग दे देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा उससे (dx). तो sec²x का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x
टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम अभी तक समझते आ रहे हैं हमारे पास u इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसको प्लस माइनस में चेंज करना है। तो प्लस माइनस में चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इस अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको मैं ले सकता हूं इंटीग्रेशन एक्स का पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स का पावर वन इंटू एक्स का पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स, ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स का पावर थ्री बाई टू इंटू डी एक्स। अब सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे एक्स का पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी, आंसर आ जाएगा एक्स का पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस एक्स का पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू प्लस सी, और टू बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस टू बाई फाइव एक्स का पावर फाइव बाई टू प्लस सी, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारा। बात सुन भाई, कॉपी करेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए का पावर एक्स इंटू डी। कई स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, मैं इसके पास में एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, एक्स का पावर ए इंटू डी एक्स, ठीक है। इस डी ए को देखकर मुझे पता चला कि ये जो ए है यहां पे चर है, जिस तरीके से यहां पर इस डी एक्स को देख के मुझे पता चला कि ये जो एक्स है वो चर है, तो यहां पर जो एक्स है वो एक अचर राशि का काम कर रहा है, ये हो गया अचर, जिस तरीके से यहां पर ए है अचर और एक्स डी एक्स हमारा हो गया चर, ऐसे ही ए डी ए हमारा हो जाएगा चर। बस समझ में आई, इसका अगर यहां पर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो होगा एक्स का पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन प्लस सी, फॉर्मूले से एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन का वैल्यू कितना है ए, उसी तरीके से यहां पर भी जो मेरा एक्स है वो अचर है, ए है वो चर है, तो क्या हो जाएगा ए का पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, यानी एक्स ए का पावर एक्स और एन का वैल्यू कितना है यहां पे एक्स, एन का वैल्यू कितना है यहां पे एक्स, तो एक्स का पावर सॉरी ए का पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, फॉर्मूला हम एक्स का पावर एन इसमें यूज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था ऐसा सिमिलर, इसमें आज कुछ थोड़ा बहुत समझेंगे हम। देखो अंश बटा हर के रूप में जो भी हमारे पास चीज होती है उसे हम कहते हैं भिन्न, और भिन्न होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उचित परिमेय भिन्न, उचित परिमेय भिन्न, और एक होता है हमारा विषम परिमेय भिन्न, विषम परिमेय भिन्न। उचित परिमेय भिन्न कौन से होते हैं, उचित परिमेय भिन्न वो होते हैं जिसमें अंश की घात जो होती है वो छोटी होती है हर की घात से, और विषम परिमेय भिन्न कौन से होते हैं जिसमें अंश की घात बड़ी हो जाए या
बराबर हो जाए हर की घात से। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इसमें अंश की घात और हर की घात, मतलब जो x की पावर है ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो अंश की घात और हर की घात जब बराबर हो रही है तो उसे हम कह रहे हैं विषम प्रमेय भिन्न। क्या कह रहे हैं उसको? विषम प्रमेय भिन्न। और विषम प्रमेय भिन्न जब भी हमें मिलेगा तो हम उसमें भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। और यदि विषम प्रमेय भिन्न होता तो उसका कोई ना कोई मेथड होता है उसको सॉल्व करने का, उसको हम आगे समझ लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो अभी क्या समझा हमने कि विषम प्रमेय भिन्न जब भी हमें मिलता है तो हम क्या देते हैं? उसमें भाग देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको भाग देंगे। भाग कैसे देना है कि एक्स स्क्वायर में भाग देंगे हम 1 + x² का। बासन भाई कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो लिखेंगे x² + 1, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया? -1। अभी ये -1 शेषफल है, रिमाइंडर है, तो इस -1 में भी हमें किसका भाग देना है? अभी 1 + x² का। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 - 1/1 + x². बात समझ में? मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ये हमें डिवीजन करने के बाद हमें पता चला कि ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे वापस कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा। सॉल्व करके देख लो, नीचे आ जाएगा 1 + x², जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x² और -1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास सेम चीज। तो डिवीजन करने के बाद हमें क्या मिला? ये चीज मिली। और इसका इंटीग्रेशन करना आसान है इसके बजाय। दो मेथड है इसके, एक तो विषम प्रमेय भिन्न पहचान लो, भाग दे दो। दूसरा है जो हमने एग्जाम्पल में समझा था, +1 या -1 करके। तो दोनों मेथड से भी इसको हम समझ लेते हैं। ये कॉपी कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं। तो भाग देने पे ये हमारा बचा है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? भाग दे दिया, विषम प्रमेय भिन्न पहचाना, इसको हमने रफ कॉपी में पीछे भाग दे दिया और इसको मैंने लिख दिया 1 - 1/1 + x² · dx। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ? समाकलन कर रहा हूँ। 1 का हमने पढ़ा x होता है -1/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x का। तो लिख देंगे tan inverse x + c, मतलब मैंने पढ़ा है इंटीग्रेशन 1/1 + x² · dx = tan inverse x + c, ठीक है। यहीं पे इसके दो आंसर है। एक फॉर्मूला मैंने साथ में और पढ़ा था, इंटीग्रेशन -1/1 + x² · dx होता है cot इनवर्स एक्स प्लस सी। बात समझ में आई? यहाँ पे मैं एक और आंसर दे सकता हूँ। अगर मैं इस माइनस को इस वन के साथ लूँ या फिर इस पूरे पद के साथ लूँ -1/1 + x², तो इसी का जो सेकेंड आंसर होगा वो क्या होगा? 1 का हो जाएगा x, और माइनस अगर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया तो ये बन जाएगा। ये बनने के बाद मैं क्या लिखूंगा? cot इनवर्स x। अच्छा, माइनस तो मैंने इसमें डाल दिया तो यहाँ क्या बच गया था? प्लस। तो प्लस कितना लिखूंगा मैं? cot इनवर्स x प्लस c। तो ये दोनों आंसर ही मेरे सही है। बात समझ में आई? अभी हम इसको करते हैं प्लस माइनस के साथ में। प्लस माइनस से इसको कैसे करेंगे? जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² / 1 + x² · dx, अंश में +1 - -1 करने पर तो क्या मिलेगा? x² + 1 - 1/1 + x² · dx। क्या करेंगे? अलग अलग डिवाइड कर देंगे इनको। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + या फिर इसको ऐसे ले दो, x² + 1 / x² + 1 · dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + x² · dx, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या मिल गया मुझे यहाँ पे? इंटीग्रेशन 1 · dx और माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + x² · dx। तो सेम ये वाली चीज मिल गई हमें। इसका कितना हो जाएगा समाकलन? 1 का होता है x माइनस इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अगर माइनस को इसके साथ जोड़ना है तो x प्लस क्या लिख देंगे? cot इनवर्स x प्लस c। यहां से चेक कर लो। बात समझ में आई? तो कॉपी करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, i = इंटीग्रेशन cos² x / 1 +
साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अंश बटे हर में दे रखा है, मुझे सिर्फ अंश में लेके आना है क्योंकि अभी तक हमने वो फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, यू इंटू वी और यू अपन वी। तो यहाँ पे मैं वन प्लस साइन एक्स को तो चेंज नहीं कर सकता किसी भी फॉर्म में अभी, तो क्या करेंगे इस कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे। और मुझे पता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या लिख देंगे इसको, इंटीग्रेशन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर लगा देंगे हम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मिलेगा हमें वन माइनस साइन एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो वन का होता है एक्स माइनस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस माइनस में करना है, तो क्या करेंगे sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स होता है sec x, ठीक है। फॉर्मूला हमें याद करने पड़ेंगे तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं, तो प्लस c लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन I is equal to integration sin inverse x plus cos inverse x into dx. Sin inverse x plus cos inverse x into dx. Sin inverse x का हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं देखा, ठीक है, ना ही हमने cos inverse x का कोई इंटीग्रेशन देखा है, लेकिन इन दोनों को अगर साथ में मैं देखता हूं sin inverse x plus cos inverse x, तो एक फॉर्मूला होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 2 में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख देंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई टू इंटू डी एक्स। बस सुन भाई, या मैं पाई बाई टू को क्या करूँ, कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा वन इंटू डी एक्स, और वन इंटू डी एक्स का हमें पता कितना होता है एक्स होता है, तो पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कॉपी करेंगे इसको, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो उसका हम प्रॉब्लम वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।